नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। शनिवार को जल संसाधन विभाग द्वारा गोगुंदा के रणेराव तालाब पर राजस्थान जल महोत्सव के तहत जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। जल पूजन कर आरती की गई। इस दौरान उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, जिला परिषद सीईओ हेमेंद्र नागर, तहसीलदार ओम सिंह लखावत, जल संसाधन विभाग के एसई ऋषभ जैन, प्रधान सुंदर देवी, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह जाला, पूर्व उप प्रधान पप्पू रणाबील, सरपंच कालूलाल गमेती, बीडीओ जीचंद सिंह राजावत व सीडीपीओ प्रताप सिंह खोरवाल सहित जल संसाधन विभाग के कई लोग मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए जिला परिषद के सीईओ हेमेंद्र नागर ने बताया कि इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने जल महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। आज हर कुआं, तालाब व बांध सहित सभी जलाशय भरे हुए हैं। हमें कुदरत का आभार व्यक्त करते हुए इन जलाशयों को शुद्ध रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोग पानी को व्यर्थ बहा देते हैं, इस प्रवृत्ति को बंद कर पानी का सीमित उपयोग करना चाहिए। जल को शुद्ध रखना हम सबको जिम्मेदारी है और आज ये जो जलजुलने 11 है, इसका भी एक धार्मिक महत्व भी है। आज जलजुलने 11 क्यों मनाई जाती है आप सभी को पता है, क्योंकि आज भगवान विष्णु जो है वो एक करवट लेते हैं और वो एक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, और आज के दिन कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु से जो भी चीज मांगता है, जो भी कामना करता है, उसकी पूरी पूर्ति होती है। साथ ही एक दूसरी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और माँ यशोदा ने जलाशय पे जाकर के भगवान कृष्ण के जो कपड़े थे वो धोए थे। इन दोनों जो हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, इन मान्यता के आधार पर हम जल जुलने 11 मनाते हैं। और भी धार्मिक मान्यताएं हो सकती है इसमें। आज के दिन हम एक संकल्प लें, हमारे जल के जितने भी स्रोत हैं, जल संसाधन के जितने भी स्रोत हैं, उनको हम शुद्ध रखेंगे, उसमें कचरा नहीं फैलाएंगे। उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने कहा कि जब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, तब तब जल संरक्षण के काम पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत ट्रेंचेज, एमपीटी और एनिकट बनाए गए। समय समय पर कुएं बावड़ियों की सफाई की गई। इन सब के कारण आज हर जलाशय में स्वच्छ पानी भरा हुआ है। हमें पानी को व्यर्थ न बहाकर उसे संरक्षित करने की जरूरत है। जो पानी जो रफ्तार से जाता था, उस पानी को धीरे धीरे अपन ने चलना सिखाया। जो चलता हुआ पानी था, अपन ने उसको रोकना सिखाया, और रुके हुए पानी को अपन ने धरती के अंदर समायोजन किया, जिससे आज हमारी इन 5-6 ग्राम पंचायतों में वाटर लेवल भी ऊपर आया। और आज वहां पर अगर कोई ट्यूबवेल खोदे, कोई हैंडपंप खोदते हैं, तो 40-50 फीट पे भी अपना पानी आराम से आ सकता है। समारोह में आए सभी लोगों को जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। समारोह में दयालाल चौधरी, किशन सिंह जाला, वार्डपंच सुरेश सोनी, ओम सिंह, कमलेश तेली, मीडिया प्रभारी सुरेश तेली, योगेंद्र सिंह राव, जितेश पालीवाल, वीडियो सुरेंद्र नगलिया, ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जल संसाधन व पंचायती राज विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तथा ग्रामीण मौजूद रहे।